ओम शांति। 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट यानी मुक्त करना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? मतलब जो बच्चे अपने आप को आत्मा समझते हैं उनको किस बात का फिक्र नहीं रहता है? तो इसका उत्तर है, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता, अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर की ओर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में, बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर भारत पावन था लेकिन अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए, दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल करके तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ा करके और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं तो जरूर पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई न कोई तकलीफ होती है। उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम यह भी जानते हो कि कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं, हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं। क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजा स्थान था। भारत सतयुग के शुरुआत में राजा स्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो, बाप रावण से लिबरेट यानी मुक्ति करते हैं। यह बेहद का बाप, वह भारत का बापू जी था, सभी का बापू नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापू जी कहते हैं, मेयर को भी बापू जी कहते हैं, फादर्स तो बहुत हैं। तुम्हारा फादर बाप एक है, दूसरा न कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो। तुमको समझाने में बड़ा सहज है, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गई, ज़्यादा दुख पुरुषों ने उठाया था। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? विष के कारण, विकार के कारण। तुम समझा सकती हो कि बाप आया है नई सृष्टि रचने के लिए, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे,
उस बापू ने फिरंगियों यानी अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए बाप श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वह कहते हैं कि हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह है जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है, ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, यह अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो, सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया है कि शांति के लिए कहीं जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा हैं, यह आर्गंस हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते, वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्ढे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। यहाँ हठ योग की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज यानी ज्ञान को समझना है। गॉडफादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते गॉडफादर तो सर्वव्यापी है, परमपिता परमात्मा कण कण में है। इसको ही कहा जाता मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान। तुम अब फादर यानी परमपिता परमात्मा को जानते हो। सभी का फादर एक है, वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन करके फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहाँ पावन दैवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर टीचर बन करके तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन करके चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरा संधियों की जेल में बांध होती हो। थोड़ा सहन करना पड़ता है, पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है, नहीं तो भारतवासियों का कायदा है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं, बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। बच्चे कहेंगे कि आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट यानी मुक्त किया गांधी की मत से। हम माया से मुक्त होते हैं परमपिता परमात्मा की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। यह माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट यानी मुक्ति करने में 40-50 वर्ष लगे। मेहनत लगती है, यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, तुमको गोली मारती है माया। काम का है सबसे बड़ा बम,
माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला, करके MP आदि बने सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नूधी हुई है, तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं कि तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो या चंद्रवंशी बनने के लिए, तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो ज़रूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर, मात पिता हैं ना, यह सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। यह तो सबको 100% निश्चय है। मात पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्तनशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। जब कोई शुभ बोलते हैं, जब कोई अच्छी बात बोलते हैं, तो कहा जाता है ना कि तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़े ही है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है, विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गांवड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गांवड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने, तो कोई भी मिले तो बोलो कि हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा, उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं, कितना फर्क है। किसी को भी समझाओ तो वह चकित हो जाए कि ओ हो यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं, ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहेब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहेब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो, सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हों, कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर की ओर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो। तो इतना नशे में रहना चाहिए, फर्क समझाओ। पांडव कौरव क्या करत भये, उस बापूजी ने क्या किया, यह बेहद का बापूजी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं, उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसी को पावन नहीं कर सकती, यह बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठें, हाँ बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को जरूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापिस जाना है तो सतगुरु को भी याद करना पड़े।
तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो। हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है। सत का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापिस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हैं हम पहले पहुँचे, तो याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो, हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य दो कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्य वंशी शूद्र वंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से। यह चक्र बुद्धि में फिराना है। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन करके सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरा है, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। आज का वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त, त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने अपने आप ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरणी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। आज का स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। आज की सूचना है, इस महीने की सभी मुरलियां ईश्वरीय महाबाक निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्म वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 मतलब 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अगर आपको आज की मुरली समझ में आ गई तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।